तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो हमने देखा कि फोर्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ द फोर्स किसे क्या होता है, कैसे एक फोर्स का इफेक्ट किसी बॉडी पर किस तरह का होता है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। ठीक, तो बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ठीक, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद भी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी आपने जितना फोर्स लगाया सारे फोर्स का रिजल्टेंट जो है, यानी सारे फोर्स का जो इफेक्ट है सब उसके ऊपर जीरो के बराबर हो जा रहा है, उसके पोजीशन में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार का जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल, यानी किसी बॉडी पर जितना भी फोर्स लगे, सारा फोर्स लगने के बावजूद भी अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, उस बॉडी में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, उसके पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार का जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। तो हम बैलेंस फोर्स में लिख सकते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, आप लिख सकते हैं कि इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यदि किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पर लगने वाला सारा फोर्स इज जीरो, अगर वो जीरो के बराबर हो, द फोर्स इज कॉल्ड, इस फोर्स को जो है हम बैलेंस फोर्स के नाम से कहते हैं। तो फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, ऐसे हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स ना। किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और उसपे मान लीजिए चार पांच लोग मिलकर किसी बॉक्स को आप पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और चारों पांच लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद भी बॉक्स के पोजीशन में किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट है सम जो है सब मिलाकर सब जीरो के बराबर हो जाएगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं बैलेंस फोर्स। जैसे सपोज दैट कि आपके पास जो एक बड़ा सा हैवी बॉक्स है ठीक ना, और आप ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, जमीन पर कोई बॉक्स रखा हुआ है ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि मेरा मार्कर है, तो मार्कर जो मेरे हाथ पर रखा, मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पर ये मार्कर रखा गया, तो मार्कर को अगर हम इधर से पुश करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये बहुत हल्का है, पुश करेंगे तो मूव कर जाएगा, पर सपोज दैट समझने के लिए कि मैं पुश कर रहा हूँ ये मूव नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इस मार्कर के ऊपर आपको देखने से तो लग रहा है सिर्फ हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक ही फोर्स लग रहा है, बट एक्चुअली इसके ऊपर सिर्फ हमारे द्वारा ही फोर्स नहीं लग रहा है, इसके ऊपर चार प्रकार का फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा फोर्स? तो मान लीजिए इस बॉक्स को हम इधर की पुश कर रहे हैं, तो पुश करेंगे तो एक फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑफ पुशिंग, एक जो आपका फोर्स क्या होगा फोर्स ऑफ पुशिंग जो हमारे द्वारा लगाया जा रहा है पहला फोर्स। आप चूंकि ग्राउंड पर लगा है तो आपको पता है कि अगर ये इधर का मूव करेगा तो अर्थ के द्वारा फ्रिक्शन लगता है, जिसको फ्रिक्शन फोर्स करते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अगर बॉक्स इधर का मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर का लगेगा, तो इधर का फोर्स जो लगेगा उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है इसके ऊपर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा। दूसरी चीज क्या होगा, अगर ये मार्कर अगर बॉक्स अगर अर्थ पर रखा गया तो ये मार्कर क्या होगा, मेरा हाथ पर फोर्स लगा रहा है, जैसे हम खड़े हैं तो हमारे पूरे बॉडी का जो फोर्स है वो अर्थ पर लग रहा है ठीक ना, यानी बॉक्स अगर अर्थ पर रहेगा तो बॉक्स नीचे की तरफ प्रेस करेगा अर्थ को ठीक ना, तो नीचे की तरफ आपका फोर्स लग रहा है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को जो है अर्थ अपनी तरफ खींचता है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हम छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, मतलब क्यों क्यों नहीं चाह रहा, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसलिए बॉक्स जो है अर्थ बॉक्स को नीचे तरफ खींच रहा है, इसलिए इसके ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये नीचे की तरफ लगता है। और ऐसा नहीं है कि बस ग्रेविटी ही फोर्स लगा रहा है, अगर हम मार्कर अगर इस मार्कर को हाथ पर रखेंगे तो इसको नीचे तरफ खींच रहा है, तो मेरा हाथ भी इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, यानी अगर ये बॉक्स जो है अर्थ पर रखा गया है तो अर्थ अगर बॉक्स को खींच रहा है तो अर्थ भी इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम खड़े हैं ग्राउंड पर तो हमारा पैर क्या है अर्थ को प्रेस कर रहा है नीचे की तरफ, तो क्या सिर्फ क्या अर्थ फोर्स नहीं लगा रहा, अर्थ भी हमारे पैर के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर जो है फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन फोर्स रहता है, ये ग्रेविटी इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है
ठीक ना। और चूंकि बॉक्स अर्थ पर रखा गया है तो उसके बॉक्स के वेट के चलते उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो इस बॉक्स के ऊपर चार प्रकार का फोर्स लग रहा है और अगर ये चारों फोर्स लगने के बाद भी बॉक्स अगर रेस्ट के पोजिशन में है, उसके पोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, जिसको बोलते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो। इन चारों फोर्स का रिजल्टेंट मिलाकर जीरो के बराबर है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए ऐसे फोर्स को बोलते हैं बैलेंस फोर्स। तो इस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार प्रकार का फोर्स लगा है। फोर्स जो हम पुश कर रहे हैं वो वाला फोर्स कौन बैलेंस कर दे रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस कर दे रहा है। ये अर्थ को जब अर्थ जो है बॉक्स को जो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है उसको कौन बैलेंस कर दे रहा है, तो जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है बाय द ग्राउंड के द्वारा बॉक्स के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है। तो चारों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो के रिजल्टेंट फोर्स जीरो के बराबर, इसलिए इस फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो अनबैलेंस फोर्स में भी यही चार प्रकार का आपका फोर्स लगता है। ये आपका होता है अन, इसको हम यहां पर लिखेंगे अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक ना, अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, बस डेफिनेशन यही होता है, बस यहां पर जीरो की जगह बोल देंगे नॉट जीरो। ठीक ना, अनबैलेंस फोर्स का भी डेफिनेशन आपका यही होगा, पर रिजल्टेंट फोर्स जो है नॉट जीरो, बस यहाँ पर डेफिनेशन में यही होगा, आप लिख लीजिएगा कि इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो। ठीक ना, इसी को अगर हम अनबैलेंस कर दें, ये आपका हो जाएगा अनबैलेंस, अगर यहाँ पर हम कर दें तो यहाँ पर जीरो को चेंजिंग करके हमें कर देना पड़ेगा नॉट जीरो। अगर जीरो के बराबर नहीं होता है, अगर इसके ऊपर लगने वाला अनबैलेंस फोर्स पर यही चार फोर्स लगेगा, अगर कोई बॉक्स को हम रखते हैं ग्राउंड पर तो हम पुश करते हैं तो पुशिंग फोर्स लगेगा, अर्थ का ग्रेविटी उसको अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा, बॉक्स को अर्थ अपने नीचे की तरफ खींचेगा और अर्थ जो है उसके ऊपर क्या करेगा, बॉक्स जो है उसके अर्थ पर प्रेस कर रहा है ना, तो इसके चलते अर्थ भी इसके ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ये रिएक्शन चारों फोर्स अनबैलेंस फोर्स में ही लगेगा, बट यहाँ पर सारा फोर्स आपका एक बराबर नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, कोई एक दो जो है इसके ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते इसके पोजीशन में चेंजिंग आ जाता है और वो पोजीशन अपना चेंज कर देता है, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। कहेंगे इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो नहीं होता है तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। और एक चीज जानते रहिए कि अब आप जो ग्राउंड पर जो कुछ भी मूव करता है वो अनबैलेंस फोर्स के चलते ही मूव करता है। अगर सारे ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स लगेगा तो कोई बॉडी अगर मूव है तो मूव ही करता रह जाएगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगा, वो कभी मूव नहीं करेगा। बट बॉडी अगर मूव करता है, हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल हमारा मोशन करता है, क्यों, क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। और साइकिल का पैडल माना अगर बंद कर देते हैं और साइकिल हमारा रुक जाता है तो भी उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, तभी वो रुक रहा है। हम पैडल माना रोक देते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स, अब मेरा द्वारा फोर्स लग ही नहीं रहा, सिर्फ फ्रिक्शन के द्वारा लग रहा है, तो एक तरफ से लग रहा है एक तरफ नहीं लग रहा, तो अनबैलेंस फोर्स हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों तरफ लग रहा है, दोनों बराबर, इसमें बैलेंस फोर्स है। बट अनबैलेंस फोर्स में एक तरफ से लगेगा, एक फोर्स ज्यादा होगा, एक फोर्स कम हो गया, अनबैलेंस हो गया तो बॉडी मूव करेगा या बॉडी रुक जाएगा, यही हो सकता है। ठीक ना, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो अनबैलेंस फोर्स के चलते ही मूव करता है। कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा है रेस्ट में आ गया तो वो भी अनबैलेंस फोर्स के चलते ही रेस्ट में आ गया। तो ये मेरा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होता है। बैलेंस फोर्स में भी एक फोर्स चारों लगता है, बट बैलेंस फोर्स में चारों बराबर हो जाने चलते बॉडी मूव नहीं करता है, और अनबैलेंस फोर्स में भी ये चारों फोर्स लगता है, बट अनबैलेंस फोर्स में चारों बराबर नहीं होता है, कोई एक कम एक ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो पाता है और बॉडी हमारा मूव करने लगता है, उसके पोजिशन में चेंजिंग हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स।